की रचना के बारे में आप लोग जानते हो? yes. आपको आसपास में कहाँ कहाँ दिखता है नृत्य जैसी आकृति? सूर्य। सूर्य की आकृति क्या कारण है? वो एक ठोस आकृति है जो कि गोलाकार होती है। वृत्त, एग्जैक्ट वृत्त कैसा दिखता है? चूड़ी। चूड़ी, ये मेरी चूड़ी वृत्त क्या आकार की है? वृत्त क्या आकार का है? जैसे की रोटी है, टायर है, ये भी वृत्त है। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारी आकृतियाँ वृत्त के आकार की होती है। तो वृत्त क्या होता है? जिसका कोई एक निश्चित केंद्र होता है और एक निश्चित त्रिज्या होती है जो कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जो हर जगह बराबर होती है। पी क्यू क्या है? जीवा है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? व्यास। यानी कि सबसे लंबी जीवा व्यास है। और आप देखोगे कि त्रिज्या से दुगना होता है व्यास। यदि ये दूरी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है तो आपका व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर हम ओ केंद्र त्रिज्या, ओ ए जीवा, पीक्यू और व्यास, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तो इतने वृत्त के अवयव है जिनके बारे में हमने जाना। साथ ही परिधि क्या होती है कि हम एक बिंदु से चलना चालू किए और उसी बिंदु पर जब हम वापस पहुंचते हैं तो वो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वही वृत्त की परिधि कहलाती है। अभी हम परिधि